अगला शीर्षक है सिद्ध अवस्था। यदि लोहा एक बार पारस पत्थर के स्पर्श से सोना बन जाए तो फिर उसे किसी जगह रखो, उस पर वह नहीं चढ़ेगी, वह सोने का सोना बना रहेगा। इसी प्रकार जो ईश्वर लाभ कर चुके हैं वे चाहे संसार में रहें चाहे वन में, किसी जगह भी उनको दोष स्पर्श नहीं करता। जैसे लोहे की तलवार पारस पत्थर के स्पर्श से सोने की बन जाती है किंतु फिर उसे जीव हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर मनुष्य से फिर कोई अन्याय कार्य नहीं होता। किसी व्यक्ति ने परमहंस जी से पूछा, सिद्ध पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? परमहंस जी ने उत्तर दिया, जैसे आलू बैंगन आदि उबालने से नरम हो जाते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुषों का स्वभाव भी नरम हो जाता है, उनमें अभिमान नाम की भी नहीं रहता। सिद्ध चार प्रकार के हैं, स्वप्न सिद्ध, मंत्र सिद्ध, कृपा या हठात सिद्ध, नित्य सिद्ध। कोई कोई स्वप्न में जप मंत्र पाकर उसके द्वारा सिद्ध होते हैं, उन्हें स्वप्न सिद्ध कहते हैं। जो सद्गुरु के निकट मंत्र लेकर साधना द्वारा सिद्ध होते हैं उन्हें मंत्र सिद्ध कहते हैं। कोई कोई मनुष्य किसी महापुरुष की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें कृपा सिद्ध कहते हैं। और जो बचपन से धर्म में प्रीति रखकर सिद्धि पाते हैं वे नित्य सिद्ध कहलाते हैं। ध्यान सिद्ध किसे कहते हैं? जो ध्यान करने के लिए बैठते हैं, भगवान के भाव में मग्न हो जाते हैं, वे ध्यान सिद्ध कहलाते हैं। जहाज किसी दिशा को न जाए, चुंबक की सुई सदैव उत्तर दिशा की ओर ही रहती है, इससे जहाज अपने गंतव्य दिशा से विचलित नहीं होता। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन सदैव ईश्वर की ओर रहे तो वह संसार में कभी न भूले। चकमक पत्री सैकड़ों वर्ष तक पानी में डूबी रहे तो भी उसकी अग्नि नष्ट नहीं होती, उस पर रुई रखकर लोहे की ठोकर मारते ही आग प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार विश्वासी भक्त हजारों वर्षों तक कुसंग में डूबे रहने पर भी धर्म में च्युत नहीं होते हैं, भगवत कृपा होते ही वे ईश्वर प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। जैसी भावना करो वैसी ही सिद्धि मिलती है। जैसे कीट भृंगों की भावना करते करते भृंग ही बन जाता है, इसी प्रकार जो सच्चिदानंद की भावना करता रहता है वो आनंदमय हो जाता है। मतवाला जैसे नशे की झोंक में कमर की धोती को कभी सिर पर बांधता है और कभी बगल में दबाकर नाचने लगता है, सिद्ध पुरुषों की अवस्था भी प्राय ऐसी ही होती है। जैसे पुल के नीचे से जल जल्दी बह जाता है, वहां नहीं ठहरता, इसी प्रकार महापुरुषों के हाथ में जो रुपए पैसे आते हैं वे शीघ्र ही खर्च हो जाते हैं। जैसे नारियल या खजूर का पत्ता टूट जाने पर भी उस स्थान पर दाग रह जाता है, उसी प्रकार अहंकार जाने पर भी उसका कुछ न कुछ चिन्ह रह ही जाता है। किंतु इतना अभिमान किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता, उसके द्वारा खाने पीने सोने आदि के सिवा और कोई काम नहीं होता। जैसे आम पक जाने पर आप ही आप धरती पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर आत्माभिमान आप ही आप दूर हो जाता है। तीन गुण है सत रज और तम, इन तीनों गुणों को कोई निशेष नहीं कर सकता। एक मनुष्य किसी जंगली राह से जा रहा था, इतने में तीन डाकुओं ने आकर उसे पकड़ लिया और उसके पास जो कुछ था सब छीन लिया। तत्पश्चात उनमें से एक डाकू बोला, इस मनुष्य को अब यहीं मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, मारना उचित नहीं है, इसके हाथ पैर बांधकर छोड़ देना चाहिए। डाकू उसके हाथ पांव बांधकर चले गए। कुछ समय के पश्चात उनमें से एक आदमी आकर कहने लगा, आहा, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, मैं तुम्हारे बंधन खोले देता हूँ। यह कह उसने बंधन खोल दिए। वह फिर कहने लगा, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बतला दूं। दोनों चलने लगे। कुछ समय के पश्चात डाकू ने एक रास्ते की ओर इशारा करके कहा, इस रास्ते पर से चले जाओ, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। वह मनुष्य बोला, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम एक बार
हमारे घर तक चलने की कृपा करो। डाकू ने उत्तर दिया, मैं गांव में नहीं जा सकता, मैं तो तुम्हें केवल रास्ता बतलाने आया था। मुक्त पुरुष संसार में सूखे पत्ते के समान रहते हैं, उन्हें कोई निजी इच्छा या अभिमान नहीं रहता। हवा उसे जिस ओर उड़ा ले जाती है वो उसी ओर उड़ जाता है। अनाज को जमीन में बोओ तो उससे अंकुर निकल जाते हैं और पेड़ तैयार हो जाता है, किंतु उसी अनाज को उबाल कर बोओ तो फिर उससे अंकुर नहीं निकलते। उसी प्रकार जो सिद्ध हो जाते उनको फिर इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। परमहंस किसे कहते हैं? जैसे हंस को दूध पानी एक साथ मिलाकर दो तो वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति संसार के सार पदार्थ सच्चिदानंद को ग्रहण करके असार संसार को त्याग देवे वही परमहंस है। पहले अज्ञान, फिर ज्ञान और अंत में जब सच्चिदानंद लाभ हो जाता है तब ज्ञान अज्ञान दोनों के आगे जाना पड़ता है। जैसे जब पैर में कांटा लग जाता है तब उसे निकालने के लिए एक और कांटे की आवश्यकता होती है, किंतु जब कांटा निकल जाता है तब दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। जो व्यक्ति सिद्धि लाभ करते हैं अर्थात जिन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है उनके द्वारा कभी किसी प्रकार का अन्याय कार्य नहीं हो सकता। जैसे जो नाचना जानता है उसका पैर कभी बेताला नहीं गिरता। बृहस्पति के पुत्र कच्छ की समाधि भंग होने पर जब उनका मन बाह्य जगत में आ गया तब उनसे ऋषियों ने पूछा, इस समय तुम्हें कैसी अनुभूति होती है? उन्होंने उत्तर दिया, सर्व ब्रह्मयम, उसके सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे पानी में कमल पत्र रहता है परंतु उसमें जल नहीं लगता, यदि कुछ जल लग भी जाए तो जरा हिला देने से सब झड़ जाता है। उसी प्रकार संसार में मुक्त पुरुष रहते हैं, उन्हें संसार की माया नहीं लगती, यदि कुछ लग भी जाए तो इच्छा करते ही वो सब हट जाती है। तो दोस्तों ये थे रामकृष्ण परमहंस जी के सत उपदेश।